व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, जो कि गणित की महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं से संबंधित होता है। हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी और परिमेय संख्याएं कौन सी है। और इसके बाद हम कक्षा 9वीं और 10वीं की गणित की स्टडी शुरू करने वाले हैं चैनल पर। तो गणित की संपूर्ण स्टडी के साथ ही बाकी सारे विषयों की संपूर्ण स्टडी और 9वीं और 10वीं की संपूर्ण जानकारी भी चैनल पर प्राप्त होती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इनको सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए संख्या रेखा। तो आपने संख्या रेखा से संबंधित सवाल आपने 8वीं में भी करे होंगे। संख्या रेखा क्या होती है यह भी आपको पता होगा। तो संख्या रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे माना जाता कि इसका जो बीच का बिंदु है वो जीरो है। ठीक है, बीच का बिंदु जीरो है और उसके बाद इसके धनात्मक तरफ जो है ये संख्या होगी धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये निश्चित दूरी पर आप स्केल से भी बना सकते हो इनको। और इसके इस ऋणात्मक तरफ जो संख्या है वो ऋण वाली होती है, तो यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बना ली है और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हमने दर्शा दी और इसका जो बीच का बिंदु होता है वह होता है शून्य। तो अब हम सबसे पहले देख लेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं धनात्मक जो संख्याएं होती है वो सारी ही प्राकृत संख्या है। मतलब ये जो संख्या है एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वे सारी संख्या प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये है प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत, क्योंकि ये संख्या रेखा आगे जो तीर का निशान है मतलब ये आगे तक जाएगी, अनंत तक की संख्या इसमें शामिल होती है। तो एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या है। और यदि इसमें यदि हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं, मतलब जीरो से अनंत तक की संख्या यदि हम मान ले, तो ये सारी संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो कि जीरो से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी। और यदि इसमें हम ये ऋणात्मक वाली संख्याएं भी सारी शामिल कर दे, मतलब जीरो से इस तरफ की सारी ऋणात्मक संख्याएं, जीरो की इस तरफ की सारी धनात्मक संख्याएं, तो इन सभी संख्याओं को यदि हम शामिल कर ले तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक जिसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी शामिल होता है, तो ये पूर्णांक हो जाएगी। तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हो जाएगी एक से अनंत तक। ठीक है, एक से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या है जीरो से अनंत तक। ठीक है, जीरो से अनंत तक, जैसा कि हमने संख्या रेखा में देख लिया था। पूर्णांक संख्याएं होगी संख्या रेखा की दोनों ओर की संख्याएं, संख्या रेखा की दोनों ओर की संख्याएं। ठीक है, संख्या रेखा की दोनों ओर की संख्याएं और इसमें क्या शामिल है, और इसमें जीरो भी शामिल है। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या हो गई, इसको हमने पहले ही समझ लिया था। इसके बाद यहाँ पर जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जहां जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q जहां q जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या यहाँ पर कहीं भी स्थित हो सकती है, मतलब जीरो से एक का भी, एक के बीच में, जैसे 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1/3, 1/4, ये सारी संख्या यहाँ पर हो जाएगी, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बटे वाली संख्या होती है।
पी बटा क्यू उदाहरण के रूप में हमने पी और क्यू लिख दिया है, और पी और क्यू पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब पी और क्यू के स्थान पर कोई से भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन वहां पर क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही वह परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आज के वीडियो में हमने सीख लिया है प्राकृत संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 से अनंत तक की संख्या शामिल होती है, पूर्णांक संख्या में संख्या रेखा के दोनों ओर की संख्याएं और शून्य को भी शामिल करते हैं, मतलब संख्या रेखा की सभी संख्या शामिल है पूर्णांक संख्या में। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित देखेंगे, जिसमें हम परिमेय संख्या निकालना भी सीखेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।